हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आदि शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश क्लास फोर्थ चैप्टर थर्ड। चैप्टर नेम मो यू आर माय एंजल। मो यू आर माय एंजल। मो मींस मदर, यू आर माय एंजल। एंजल मींस परी। माँ आप मेरी परी हो। मॉम यू आर माय एंजल। माँ मदर, माँ आप मेरी परी हो। एंजल मीन्स परी। मॉम यू आर माई एंजल्स। चलते हैं स्टूडेंट लेसन की ओर। फर्स्ट टाइम इस लेसन को इसको पूरा आप स्टडी करेंगे, फिर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा चलते हैं। एंजल्स डोंट ऑलवेज वियर वाइट एंड डोंट हैव ए ग्लोइंग लाइट। देयर इज वन इन माई लाइफ टू। शी रिमेंस beside me all through. She always guides my way. Like sunshine, she lights my day. She is like a friend to me. Even when I am sad or gloomy, she helps me with my studies and plays with me like my buddies. She makes me yummy dishes and gives me hugs and kisses. Like an angel, you are always there. It's a special bond that we both share. Thank you for everything you do. Mom, I will always love you. The student, ये आपका poem का मैंने writing कर दी। अब इसका हिंदी translation करते हैं। मॉम यू आर माई एंजल। माँ आप मेरी एंजल हो, परी हो। एंजल्स डोंट ऑलवेज वियर वाइट। जो एंजल्स होती हैं, परी हैं, वो हमेशा वाइट कपड़े नहीं पहनती हैं। एंड डोंट हैव ए ग्लोइंग लाइट, और हमेशा ही वो चमकती नहीं रहती हैं कि वो हमेशा ही चमकती रहती हूँ। देर इज वन इन माई लाइफ टू। मेरी जीवन में, मेरी लाइफ में भी एक एंजल है, एक परी है। She remains beside me all through, और वह हमेशा मेरे साथ ही रहती है, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। She always guides my way, वह हमेशा मुझे गाइड करती है, मुझे बताती है, समझाती है मेरे रास्ते को कि मुझे क्या करना है। Like sunshine, she lights my day, जैसे कि सूर्य चमकता है उसी प्रकार वह मेरे दिन को भी चमकाती है। जैसे सूर्य अपने अपने रोशनी से दिन को चमकाता ना, उसी प्रकार जो उनकी मेरी माँ है, वह है ना, मुझे भी अपने अपनी लाइट से अपने दिन को, हमारे मेरे दिन को चमकाती है। लाइक सनशाइन शी लाइट्स माई डे। शी इज लाइक ए फ्रेंड टू मी, वह मेरे लिए एक मित्र की तरह, एक फ्रेंड की तरह है। इवन वैन आई एम सैड और ग्रूमी, इवन यहाँ तक वैन आई एम सैड और ग्रूमी, जब मैं दुखी और गुस्सा रहता हूँ ना, तो मेरे साथ देती है, मेरी हेल्प करती है। शी हेल्प्स मी विद माई स्टडीज, वह मेरी हेल्प करती है मेरे स्टडी में, मेरे अध्ययन करने में, मेरी पढ़ाई करने में मेरी हेल्प करती है। जब मैं होमवर्क करता हूँ, स्टडी करता हूँ ना, तो वो मेरी हेल्प करती है। एंड प्लेस विद मी लाइक माई बडीज, और जब मैं प्ले करता हूँ तो ऐसे प्ले करती है कि जानो वो मेरी फ्रेंड है। वो बडीज मीन फ्रेंड, मित्र। ऐसे प्ले करती है कि एक फ्रेंड खेल रहे हैं। शी मेक्स मी यमी डिशेज, और वह मेरे लिए यमी मीन्स अच्छी अच्छी डिशेज, खाना अच्छी अच्छी डिशेज बनाती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन। एंड गिव्स मी हग्स एंड किसेज, और वह मेरे को गले लगाती है और प्यार करती है, किसेज करती हैं। लाइक एंजल यू आर ऑलवेज हियर, एक परी की तरह आप हमेशा मेरे साथ रहती हो। इट्स ए स्पेशल बॉन्ड दैट वी बोथ शेयर, ये एक स्पेशल रिश्ता है कि हम दोनों इसको शेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू, धन्यवाद आपने जो मेरे लिए कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मॉम, आई विल ऑलवेज लव यू। माँ मदर, मैं आपको हमेशा लव करता रहूँगा। स्टूडेंट आपकी ये लेसन हुआ, बहुत प्यारी लेसन है, बहुत अच्छी पोएम है। इसमें माँ को बताया, मदर के बारे में बताया, जो आपकी हेल्प करती है, जैसे एंजल आपकी हेल्प करती है ना कभी, तो एक माँ ही एक एंजल आपकी।
वो आपकी हर चीज़ में हेल्प करती है आपको। हाँ, आपको आप सैड होते तो आप हैप्पी कर देती हैं, आपको कुछ खाना है तो आपके डिश में आती हैं, आपके होमवर्क में हेल्प करती हैं, आपको स्कूल रेडी करती हैं, आपको अच्छा रास्ता बताती हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो माँ एक एंजल से भी बढ़कर है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसरों की तरफ। ए बी गो जस्ट अ मिनट। यस, enjoy the exercise, fill in the blank to complete the sentences. Angel don't always wear white, yeah, but I be white. Angel don't have a glowing light, VFBR. It's a special bond that we both share. To yahan par फर्स्ट में भी वी आएगा, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी वी आएगा, वाइट लाइट शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज एन एंजल ऑन द अर्थ, हु इज एन एंजल ऑन द अर्थ। ऑब्वियसली मदर, मदर ही अपनी एंजल है। हाउ डज द एंजल विद, हाउ डज द एंजल लाइट अप ऑफ द डे। हमारे डे को लाइट करते हुए, शी लाइट्स अप अवर डे लाइक ए सनशाइन, लाइक ए सनशाइन। वे हमारे दिन को लाइट करती है लाइक किसकी तरह, एक सनशाइन की तरह। द एंजल ऑन द अर्थ इज सिमिलर टू हूम, मदर। एंजल किसकी सिमिलर तरह, किसकी तरह है, एक मदर की तरह। ये स्टोरी आपका चैप्टर हुआ, इसको आप होम पर रीडिंग करेंगे और इस होमवर्क को आप राइट करेंगे नोटबुक में, ओके। और 2-3 टाइम्स को इस पोएम को रीडिंग करेंगे, बहुत अच्छी पोएम है। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।